अभी घर पे जो है ना गेस्ट वगैरह आ गए थे। कितने का भी ये वाला? फाइनली हम खा रहे हैं अपने मोमोज। तो हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून। आई होप तो आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज की शुरुआत में बहुत ज़्यादा लेट हो रही है, क्योंकि एक्चुअली क्या है ना, अभी घर पे जो है ना गेस्ट वगैरह आ गए थे, और मॉर्निंग से जो था थोड़ा सा लेजीनेस वगैरह चल रही थी, वही अपना थोड़ा लेट हो गया था उठने में भी। तो उसके बाद उठे थोड़े फ्रेश वगैरह हुए, थोड़ा सा भाई घर की साफ़ सफाई और थोड़ा सा उसके बाद थोड़ा जो छोटे मोटे काम होते हैं वो निपटाए। उसके बाद गेस्ट आ गए थे, उनके यहाँ थोड़ा बैठे हुए थे, और अभी आए हैं टेरिस पे। और टेरिस में मेरे साथ छोटी भी आई है, मैं नाम बोली है इनका। अपना नाम क्या था? सांसा। दोबारा बताओ। सांसा। ओ, आपका यूनिक नेम है यार। कौन सा, क्या नाम है स्कूल का, नाम क्या है आपका? भविका मेहरा। आप फर्स्ट स्टैंडर्ड में हो ना, आपने मेरे को बताया था। तो आपके स्कूल में फ्रेंड कौन कौन से हैं? बहुत सारे हैं। आपके बेस्ट फ्रेंड कौन है? बेस्ट फ्रेंड मोक्ष। अच्छा, फिर स्कूल में आप क्या क्या करते हो? पहले आपको आप ज़्यादा मज़ा आता है स्कूल में, या पहले जब आप घर से चल रहा था तब? स्कूल में आता ना मज़ा फ्रेंड्स के साथ मिल के। ये तो है। सो गाइस, ये आगे से छोटी मैं इससे बातें कर रहा था, और ये देखो सामने जो है भाई बादल है, फुल मस्त हो रखा है। आज थोड़ा लेट हो गए, अब आज का प्लान जो है देखते हैं, शाम को सोच रहे कहीं जाने का। और बाकी तो अभी नीचे हैं, गेस्ट वगैरह बैठे हुए हैं अपना आराम से, मम्मी पापा उनसे बातें कर रहे हैं, थोड़ी देर मैं भी बैठा हुआ था उनसे बातें कर रहा था, और ज्योति जो है अपना लंच वगैरह की तैयारी कर रही है। तो यही चल रहा है यार, और बाकी कुछ ऐसा कुछ खास तो चल नहीं रहा। सांसा वो देख रही है, फिश। सांसा का ये कौन नाम पता लग गया मेरे को, क्या नाम बताया? सानू, भाविका मेहरा, सानू और सांसा। देखा, तीन नाम। इसका नाम बताऊं क्या है? इस फिश का नाम बताऊं क्या है? इसका नाम निम्बो है। मैं इसको बोलूंगी गोल्ड फिश। इसका नाम भी तो है इसका, जैसा आपका नाम है सांसा, वैसे इसका नाम है निम्बो। आप इससे बात करोगे? बात करती है। हाँ, पूछो। हेलो निम्बो, से हाल चाल पूछो, देखो आपके पास आ जाएगी। देखो मैं पूछ रहा हूँ, निम्बो अभी आएगी, देखो घूम के। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा डांस कर रही है यार। ये तो है। कर दो बस सांसा के लिए क्लैपिंग। बिग शाउट। अच्छा, बहन ने सिखाया था? बहुत अच्छा सिखाया है आपके सिस्टर ने। स्टेप्स भी याद है, तो सॉन्ग भी याद है ना? सब कुछ याद है। ये तो है, स्टेप सॉन्ग के साथ और बीट के साथ कर रही थी, स्टेप बाय स्टेप। कंसा मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रही है। मतलब थोड़ी मतलब बात की जैसे बच्चे ना, एक्टिव बहुत एक्टिव है मेरी। इसका बोलना ही अच्छा लग रहा है, सुनने में मज़ा आ रहा है। सांसा की बात बच्चों को तो बोलते हैं।
भाविका है, भाविका है। तो गाइस यहाँ पे बन रही है अपनी दाल, दाल बन चुकी है लगभग। और ये ज्योति भी आपको देख रहे हो, और बाकी सांसा भी चले गई है, बड़ी मस्त लड़की थी यार बच्ची, एक नंबर बच्ची थी वो सांसा। मम्मी ये लड़की बच्ची आई थी, सिर्फ बातें सिर्फ समझदार है ना पढ़ने लिखने में, तेज है खुद तो सुना दी किनती विनती। और ये पिताजी, पिताजी गुड आफ्टरनून, मम्मी जी गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून तो बोलो पहले तभी बताऊंगा। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून हो गया, गुड आफ्टरनून, मम्मी क्या कह रहे हो जी चार्ज का? अरे होगा मम्मी, नहीं मैं नहीं होगा, चेक कर लूँगा। और बताइए सर तो ठीक, क्या हाल है आपके? बढ़िया बढ़िया एकदम। पापा को ऐसे हंसाया करूँगा मैं, कैमरा ला के हंसाऊंगा। सो गाइस खलज वगैरह जो है ना हमने कर लिया, और अब जो है ना भैया थोड़ा सा करेंगे आराम, फिर उसके बाद देखते हैं शाम को कहाँ चलते हैं। अभी कुछ प्लान नहीं बना रखा, अभी कुछ मूड भी नहीं कर रहा, सो के उसके बाद देखते हैं कि क्या करते हैं, मन करे चले जाएंगे वरना फिर घर पे ही रहेंगे। वैसे मन तो है जाने का, देखते हैं अभी, लेट्स सी क्या होता है। और थोड़ा सा आराम करता हूँ मैं भी, और थोड़ा सा एडिटिंग करनी है, उसके बाद फिर आप लोगों से मिलता हूँ। हेलो गाइस, फाइनली हम जा रहे हैं घूमने के लिए, टहलने के लिए, और आज हम जा रहे हैं कहाँ पे, हमारी एक ही जगह है दिल्ली हाट। कुछ खाएंगे अपन, नूडल्स वूडल्स खाएंगे, मोमोज वोमोज। तो भाई अभी दिल्ली हाट जा रहे हैं, अभी हमारा टाइम टाइम कितना हो गया घड़ी में? टाइम है 7:30 हो चुके हैं, तो सही टाइम है यार ये जाने का। अब हम चले जाते 5 बजे, कोई फायदा नहीं था, तो आराम आराम से जा रहे हैं। और ये एफ एम भी बज रहा है यहाँ से मैं अभी बोल रहा हूँ, तो उसके लिए माफ़ी। और आज हम जा रहे हैं ज्योति वाली गाड़ी से। बाकी बाहर तो गर्मी हो रही है भाई, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, उतरी कमरा हुआ है। ओ भाई चील भरी हुई थी, चील बचा लिया मैंने। हाँ क्योंकि ये सामने है ना ये गाजीपुर, तो यहाँ चील लुट दिया। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए हैं अपना INA, और गाड़ी जरा पीछे पार्क कर ली हमने। अब यहाँ से बगल में ही है, यहाँ से जाएंगे। और ये रही ज्योति मैडम, और अभी हम सोच रहे हैं कि ना यहीं पे INA मार्केट भी है, तो वहाँ से ना कुछ शॉपिंग वगैरह भी कर ली। शॉपिंग क्या मतलब, हम जैसे नूडल्स वगैरह लेते हैं ना, तो हमारा वहाँ मिलते नहीं है, 2 PM वाला नूडल्स नहीं मिलते, तो वो सब खरीद लेंगे। पहले चलते हैं अंदर, सेट करते हैं पहले अंदर, अंदर चलें कहाँ चलना है देख लो, कहीं दिल्ली हाट भी ख़त्म हो जाएंगे तो है ना, दिल्ली हाट जा रहे हैं गाइस पहले हम। मैं अंकल जो है ना हारमोनियम बढ़िया मैंने पूछा, बजा रहे हैं कुछ भी कहो, एक नंबर बजा रहे हैं। फाइनली पहुंच गए हैं अंदर, एंट्री कर ली है, स्टॉल्स वगैरह आप देख सकते हो। इस साइड में कभी बहुत टाइम से नहीं गए थे, अंदर चलो इस बार। ये देखो चूड़ियाँ उड़ियाँ फुल ज्वेलरीज, तो ये देखो इनको ना लोग क्या करते हैं, वो फ्रेम करवा के पेंटिंग लगा लेते हैं ना, सही लग रहे हैं भाई, लग तो सही रहा है यार ये। भाई हमने ना ले लिया ये फाइनली, हमें पसंद आ गया था, उन्होंने ले लिया, जरूरत भी थी घर पे, सही था यार क्वालिटी तो सही थी इसकी। देखो भाई यहाँ पे बैग्स वगैरह भी है, अगर आपको लेदर बैग वगैरह लेने हैं तो आप ले सकते हो। ऐसा बैग चाहिए यार मेरे को एक, बट अभी ऑफिस तो खोल नहीं रहे, क्या करेंगे लेके भी। भैया कितने की खर्ची? हाँ 250। और नीचे दूसरी और सस्ती वाली? सस्ती नहीं, सस्ती ये आएगा 200 रुपये, ये लेंगे भी 250 का आएगा। हाँ ये पाम उड़े सबसे स्ट्रॉन्ग है, ये कितने का? ये 250 का है, तो 250 का। और वो ट्रे लकड़ी वाले? लकड़ी में ट्रे लेंगे तो 600 रुपये से स्टार्टिंग है। दिखाओ तो सही, ओके ये इतने छोटे हैं बस? हाँ। बड़े भी हैं ये, सबसे छोटा है, इससे बड़ा भी है, दिखाना पड़ा। इसका क्या प्राइस है? 600 से बड़ा है ये वाला, ना ना तो सिंपल से होता है, वॉशेबल है ये सारा, वाटरप्रूफ है, पानी से कभी चलते हैं, छोटे भी तो बहुत है, इसमें आएगा क्या सामान? बड़ा ले लो ना, साइज तो बहुत सारे हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग भी बढ़ता जाएगा। ये भी अच्छा लग रहा है, कितने का भैया ये वाला? ये वाला 1200 का पड़ेगा, ये वुडन में सिंगल। भाई ने इतना महंगा बता दिया कि मेरा फ़ोन काफ़ी लग गया। नहीं ये सब होता है वुडन में, होता है सिंगल वुड का होता है, इसमें जॉइंट नहीं होता, इसमें जॉइंट है, ये जॉइंट होता है, ये सब सिंगल वुड, इसमें कोई जॉइंट नहीं। सामान तो बहुत सारे भाई पे। फाइनली हम खा रहे हैं अपने मोमोज, वेज मोमोज, और ये अपनी फ्रूट वेयर,
और एक चटनी सलाद है ना, जिस वजह से हम आज वेज मोमोज खा रहे हैं, कोई नॉन वेज नहीं खाएंगे। और हमने आज ले लिया ट्रे वगैरह लिया है और नेम प्लेट बनवाने के लिए दे दिया है। वो चीज़ ना आपको मैं आराम से घर जाके दिखाऊंगा, बाकी पहले खा लेते हैं भोजन, भोजन कर लेते हैं पहले। और ज्योति भी ज़्यादा मस्त लगती हुई। और ये रहा अपना सिक्किम टूरिज़्म, हम जब भी आते हैं सिक्किम टूरिज़्म में ही खाते हैं और कहीं नहीं खाते, मस्त लगता है यहाँ के मोमोज में, डिफरेंट है मतलब ये। और ये अपने फ्रूट बियर मस्त। सो गाइस हमने ना मोमोज वगैरह खा लिया, बड़े टेस्टी हो रहे थे मोमोज। अब हम जा रहे हैं नेम प्लेट जहाँ बनाने के लिए दिया है ना, उसके बाद जा रहे हैं उससे नेम प्लेट लेते हैं, उसके बाद फिर देखेंगे, थोड़ा घूमेंगे, फिर थोड़ा खाना खाना जो है पच जाएगा, उसके बाद दोबारा खाएंगे। हो गया भैया, तो ये रखा है अपना मेहताज हाउस D5। हाँ सही लग रहा है, ये देखो आपको पुराने ज़माने के रेडियो वगैरह भी मिलेंगे यहाँ पे। ओ भाई, और ये वाला फ़ोन देखो आप, ये पूरी की पूरी शॉप है बढ़िया सी, सबका यूनिक और एंटीक सामान है इसके अंदर। यहाँ पे ना दिल्ली हाट में ये है कि आपको हर स्टेट का आपको ना फूड मिलेगा, फूड स्टॉल मिलेगा, तो आपको आप जो है ना हर स्टेट का जो है ना फूड टेस्ट कर सकते हो। जैसे महाराष्ट्र का भी है यहाँ पे, नागा फूड है, पंजाब फूड है, आसाम का है पीछे, सिक्किम सारा है, तो बढ़िया है यहाँ पे। तो गाइज फाइनली हम जा रहे हैं वापस घर, शॉपिंग वॉपिंग तो कर लिया है हमने और खा भी लिया है मज़े से। और ज्योति ने जाते जाते एक अपने लिए इयर रिंग्स वगैरह भी ले ली हैं। और सीधा आपको घर पे मिलते हैं, क्योंकि बैटरी जो है वो रही है वो लो, और घर पे जाकर दिखाते हैं आप लोगों को हमने क्या क्या लिया। गाइज फाइनली पहुँच गए हैं घर पे, पापा वो तो सो गए, और ये देखो हम घर के लिए बना के लिए घर के बाहर, ये दिखा के लिया है इसमें मेहताज हाउस D5। सही लग रहा है, बढ़िया लग रहा है, $1,300 ये देखो गाइस, हम ये लेके आए हैं ट्रे, दो ट्रे लेके आए, और ये मम्मी के लिए करती है, देखते मजबूत है। और ये लेके आए पायदान, अपने वहाँ बाथरूम के बाहर दिखाने के लिए, दिखाओ दीवार में चिपकाना जा रहा है। ये देखो बढ़िया लगेगा भाई साहब, आप जज रहा है ये। सो गाइस घर वालों को भी दिखा दिया हमने नेम प्लेट वगैरह, और घर वालों को भी पसंद आया, पापा उनको। और बाकी ये देखो हमने यहाँ पे ये बिछा दिया है, ये भी मस्त लग रहा है। तो गाइज इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं अब। आई होप सो आप सभी लोगों को ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा होगा, आप सभी लोगों को ये ब्लॉग मेरा अच्छा लगा हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं आप लोगों को एक नेक्स्ट ब्लॉग पे, बाय बाय।